गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास, दिस इज बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर ऑफ क्लास सिक्स, चैप्टर टू, नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। आज इस चैप्टर में आपको हम नाउन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। नाउन आर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, दे आर नेमिंग वर्ड्स। आप सभी जानते हैं कि संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, स्थान और किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, प्रिया वॉन्ट टू द टेम्पल, इंडिया गेट इज इन दिल्ली। हेयर प्रिया टेम्पल, इंडिया गेट एंड दिल्ली आर नाउन्स। काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स आर ग्रुप्ड इन फाइव काइंड्स। द फाइव काइंड्स आर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर वन, प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति के बारे में, जो एक विशेष व्यक्ति के बारे में और स्थान के बारे में उसके बताया जाता है। एग्जाम्पल, दिल्ली, राधा, संडे, गोल्डन टेम्पल एक्सेट्रा। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें प्रॉपर नाउन क्या है? दिल्ली एंड इंडिया। भी, सुप्रिया एंड संजना आर फ्रेंड। इसमें संजना एंड सुप्रिया क्या है? प्रॉपर नाउन। हियर दिल्ली, इंडिया, सुप्रिया एंड संजना आर प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। नंबर टू, कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू एन एनी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ वन काइंड। एग्जाम्पल, बुक, लाइब्रेरी, टीचर, फ्रेंड, बॉय, गर्ल एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, माई फादर इज ए डॉक्टर। मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। अब इसमें फादर का नेम नहीं, कौन से फादर है, प्रॉपर नेम नहीं है, तो इस वजह से कॉमन नाउन। राधा इज ए गुड गर्ल। हियर फादर, डॉक्टर एंड गर्ल आर कॉमन नाउन्स। नंबर थ्री, कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलियर थिंग्स और पर्सन्स। एग्जाम्पल, आर्मी, क्लास, बंच, फ्लीट एक्सेट्रा। देयर आर 40 स्टूडेंट इन माई क्लास। मेरे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। दिस, ये समूह हो गया ना। ऐसे बी आप देखिए, दिस बंच ऑफ ग्रेप्स इज फ्रेश एंड जूसी। आई फाउंड अ बंच ऑफ कीज। द कलेक्टिव नाउन इज टेकन एज ए सिंगुलर नाउन। हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम कलेक्टिव नाउन्स। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जो समूह होता है उसको, जिसे आपका शिप्स का समूह होगा तो उस क्या बोलेंगे? अ फ्लीट ऑफ शिप्स। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अ क्राउड ऑफ पीपल। अ हर्ड ऑफ कैटल। अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अ बंच ऑफ मजिस्ट्रेट। अ गैंग ऑफ थीव्स। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। अ स्वार्म ऑफ एंट्स। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अ क्वीवर ऑफ एरोज। नंबर फोर, मेटीरियल नाउन। A material noun is a noun which stands for the matter or substance of which things are made. Examples, windows are made of wood. खिड़की जो बनी हुई है लकड़ी की बनी हुई है, wood material है इसमें। Number टू, ring is made of gold. अंगूठी सोने की बनी हुई है। Gold क्या है इसमें? Gold material noun. This shawl is made of pure wool. Material noun is a kind of common noun except that it is uncountable, whereas common noun are usually countable. Example, cow gives us milk. Cow is countable, so it is a common noun. Milk is uncountable, hence it is a material noun. Some nouns can be used both as material and common nouns. Example, children are playing with the sand. Their castle is made of sand. In the first sentence, we are talking about sand as a thing and not a material, hence sand is a common noun. In the second sentence, sand is used as material to make the castle, hence sand is a material noun. Number five, abstract noun. An abstract noun is the name of a something that we can only think of but we can't see or touch it. These nouns are also the name of action, quality, state or concept. Example, quality. आप जो abstract noun होते हैं उसको touch नहीं कर सकते, ना देख सकते, केवल आप feel कर सकते हैं। जैसे example, quality, गुण जो उसकी विशेषता होती है, goodness, kindness, darkness, hardness, honesty, bravery, etc. Action, love, theft, moment, hatred, etc. State, childhood, boyhood, youth, slavery, death, poverty, etc. The names of arts and science, music, grammar, chemistry, etc. are also abstract noun. Okay student, अब हम ये exercise solve करते हैं। Exercise 2.1. Rewrite the following sentences using the capital letter for proper noun. Do not forget to begin each sentence with a capital letter. देखिए, ये proper noun है December, तो इसको capital letter में लिखेंगे। December is the last month of the ईयर, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। डिम्पल एंड डेल आर फ्रेंड्स, इसमें डिम्पल किसी पर्सन के नेम है तो ये भी आप कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देंगे। डिम्पल एंड डेल आर फ्रेंड्स। दार्जिलिंग इज फेमस फॉर इट्स टी गार्डन। दार्जिलिंग इज फेमस फॉर इट्स टी गार्डन। इस तरह से हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की है।
द ताज महल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर हमने यहाँ पे ताजमहल कैपिटल लेटर में रूपाली सोनम एंड कार्तिक वर्क ऑन ए सब्जेक्ट फेब्रुअरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री लता मंगेशकर इज अ फेमस सिंगर संडे इज ऑलवेज अ हॉलीडे क्वेश्चन नंबर बी आपका है अंडरलाइन द कॉमन नाउन इन दिस सेंटेंसेस इसमें कॉमन नाउन है आपकी फैंस और रूम्स डॉक्टर लॉयर रिवर स्टूडेंट्स सीज गर्ल्स स्कूल नेबर मार्केट क्वेश्चन नंबर थ्री आपका चूज द कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट ईच ऑफ द गिवन फ्रेसेस आपके यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए आपको यहाँ पे फ्रेसेस में कंप्लीट करनी है नंबर वन अ फ्लीट ऑफ शिप्स अ स्वार्म ऑफ बीज अ लिटर ऑफ पपीज अ बंच ऑफ कीज अ पैक ऑफ वुल्व्स अ हर्ड ऑफ कैटल अ क्रू ऑफ सेलर्स अ शॉल ऑफ फिश एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स अ बंडल ऑफ स्टिक्स अ फ्लॉक ऑफ शीप अ ट्रूप ऑफ मंकी अ सूट ऑफ रूम्स अ ज़ील ऑफ ज़ेब्रा क्वेश्चन नंबर डी आपका चूज अ करेक्ट मटेरियल नाउन टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस आपको यहाँ पे ब्रैकेट में आपको मटेरियल नाउन के कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको जो करेक्ट है वो आपको यहाँ पे फिल करना है जैसे ब्लैंकेट्स आर मेड ऑफ वूल ब्लैंकेट्स मीन्स कंबल कंबल किसके बने होते हैं वूल के ऊन के कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क विंडो पेन्स आर मेड ऑफ ग्लास ग्लास मीन्स कांच रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड फर्नीचर इज यूजली मेड ऑफ वुड सैंड कैस्टल इज मेड ऑफ सैंड यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ स्टील क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन स्वीट्स आर मेड ऑफ मिल्क इंक पॉट इज मेड ऑफ इंक क्वेश्चन नंबर ई आपका अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दिस सेंटेंसेस नेचुरल ब्यूटी देख लो नेचुरल ब्यूटी आप लोग देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं आपको पता है तो ये क्या आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेकेंड में आपका बीरबल वाज नाउन फॉर इज विजडम थर्ड में क्या आपका हंगर भूख भूख आप महसूस करते हो लेकिन आप देख नहीं सकते ना इसको टच कर सकते नंबर फोर डू नॉट शो क्रूडली टू एनिमल्स नंबर फाइव वी गॉट फ्रीडम ऑन 5th August 1947 नंबर सिक्स डार्कनेस स्प्रेड एवरीवेयर नंबर सेवन सोल्जर्स वर अवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी ये सब अंडरलाइन वर्ड्स ये सब क्या आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको आप सी नहीं कर सकते और टच नहीं कर सकते ओनली फील कर सकते एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर ए वेदर द अंडरलाइन नाउन्स इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस आर कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव मटेरियल्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ आपको सेंटेंस दिए हुए आपको आपको बताना है या आपको कौन सी नाउन्स हैं जिससे फर्स्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ है कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नंबर द बंच ऑफ ग्रेप्स इज फ्रेश एंड जूसी कलेक्टिव नाउन एंड द बेस्ट पॉलिसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आवर हॉकी टीम वॉन द मैच कलेक्टिव नाउन आई ऑफन थिंक ऑफ हैप्पी डेज ऑफ द चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन द क्लास इज मेकिंग अ लाउड नॉइज कलेक्टिव नाउन द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा प्रॉपर नाउन देयर इज अ हॉस्पिटल नियर माई स्कूल कॉमन नाउन वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप इन द हार्बर कलेक्टिव नाउन ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस कॉमन नाउन क्वेश्चन नंबर बी गिव बिलो द सम नाउन सेपरेट देम इनटू प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बी केयरफुल देयर आर फाइव ऑफ ईच काइंड ये जो आपको वर्ड्स दिए हैं ये आपको फाइव काइंड से फिल करना है ये जैसे आपके प्रॉपर नाउन आपको चूज करिए आपने हमने किए जनवरी मंडे फर्स्ट है आपके प्रॉपर नाउन्स जनवरी मंडे कार्तिक दिवाली जयपुर बी कॉमन नाउन्स एस्ट्रोनॉट टीचर डॉक्टर प्लेयर स्कूल नंबर थ्री कलेक्टिव नाउन गैंग बकेट बंच हर्ट फ्लीट नंबर फोर मटेरियल नाउन सैंड वुड आयरन नायलॉन मिल्क नंबर फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्यूटी हंगर ब्रेवरी हंगर विजडम अब आपके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये सॉल्व करेंगे नंबर वन है आपका माय ब्रदर्स फ्रेंड इज ए कमिंग टुडे इसका आंसर क्या है कॉमन नाउन दिस डॉक्यूमेंट्री इज अबाउट द लाइफ ऑफ फिशरमैन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओके सेकंड आपका दिस डॉक्यूमेंट्री इज अबाउट द लाइफ ऑफ फिशरमैन ये कॉमन नाउन नंबर थ्री ही स्पोक हार्श वर्ड्स इन एंगर ये आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन नंबर फोर ही हंगरी फॉक्स है बंच ऑफ क्रेब्स इसमें आएगा कलेक्टिव नाउन नंबर फिफ्थ जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर
proper noun. Number 6, the boundary wall of this school needs repair, common noun. Number 7, Rome was not built in a day, proper noun. Number 8, she took your advice seriously, abstract noun. Number 9, she put her toys in a basket, collective noun. Number 10, the scientists were doing some research, abstract noun. Okay, students.